another vlog. I am Vaidehi and ये लड़की ना ऐसे नीचे से रेंग रेंग के जा रही थी क्योंकि इसको मेरे ब्लॉग में नहीं आना. एंड हाय सिद्धेश, ब्लॉग में बनन के प्लान में. हाँ, बनियन के ऊपर ब्लॉग में है क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं है. तेरे पास कपड़े इधर आ, तेरे पास कपड़े नहीं है ना? अभी इधर देख, लाइट नहीं आ रहा है. तेरे पास कपड़े नहीं है ना? नहीं नहीं है, है ना? इसकी तेरी बहन का गई, बहन मेरे घर पर गई. सो आज मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सडनली चालू किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी यू नो ट्रेडिशनल में क्यों हूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अपने कुछ फोटोज निकाले हैं एंड फोटो खत्म हुए मेरे निकालना एंड ये आया एंड इससे मेरे को बोला सडनली कि आप ब्लॉग नहीं कर रहे हो. तो मुझे याद है, अरे यार मुझे ब्लॉग करना चाहिए था, क्या बात है. तो मैंने इसलिए अभी कैमरा उठाया, वीडियो स्टार्ट किया और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ये वाली. एंड कितना बोलती हूँ मैं, ओके एंड ओके. तू एक काम करना, तू एलियन के शो में चला जाना, तेरे को कोई भी कास्ट करेगा पता है. छोटा बच्चा एलियन के रूप में, उनको अगर कोई रोल चाहिए होगा ना तो तेरे को ले लेंगे. क्योंकि तू मतलब हरकत, इसकी ना हरकत है ऐसी है. एक बार वो कर, एक बार वो कर, नहीं वो एलियन वाला मुंह. कैसे कैसे फेस बनाता है ये लड़का. मैं एक्चुअली रेडी हुई थी. अच्छा तू मेरे को बोलने देगा अभी कि तू ऐसे मुंह घुसाएगा अपना? तो मैं ये रेडी, भाई आ जा. तो मैं आज रेडी हुई थी क्योंकि मुझे बनाने थे रील्स एंड मैंने सोचा था कि रील्स बनाते टाइम यू नो थोड़ा सा यू नो सलवार वलवार पहन लूं आज के दिन. ऐसे ही मतलब ऐसे मेरा मन हुआ तो इसलिए मैं रेडी हुई. एंड देन मुझे ऐसे लगा कि मतलब रेडी होने के बाद ये मेकअप वेकअप करें. अच्छा वैसे मेरा मेकअप कैसे लग रहा है मुझे बताओ आप? अच्छे लग रहे हो ना? मैं ये साइन हूँ. तो मैं रेडी हुई थी, मुझे रील्स बनाने थे एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे फोटोज निकालने चाहिए इतनी अच्छे से रेडी हुई करके. तो इसीलिए मैंने फोटोज निकाले एंड अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, बहुत अच्छी धूप आ रही है. तो मैं अभी जाके यू नो क्या बोलते उसको, हाँ रील्स बनाऊंगी कुछ. आई डोंट नो कैसे बनेंगे बट फिर भी बनाते हैं. तो लेट्स गो ऑन टू रील्स. आ रहे तू? अच्छा बेसी तो बंद ही नहीं किया मैंने. वाओ बहुत ही अच्छा मौसम है एंड धूप देख रहे. ओह माय गॉड माय मेकअप इज लुकिंग सो गुड. अच्छी लग रही हूँ मैं घर से ज्यादा. तो मैं ऐसे बाहर निकलती हूँ तो भी अच्छी लगती है. ओके मैंने बहुत अपनी तारीफ कर दी. अभी मैं बनाऊंगी रील्स एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं टेरेस पे कैसे रील्स बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है. जो मेरे पास था वो एक्चुअली, अच्छा ये एंगल अच्छा लगा. जो मेरे पास था, एक मिनट, जो मेरे पास था ना वो मैंने आगे 450 रुपये में लिया था एंड वो टूट गया. तो अभी मुझे बिना ट्राइपॉड के ही जैसे मैं स्टार्टिंग में बनाती वैसे ही बनाना पड़ेगा. आई ड्रग वैसे ही बनाना पड़ेगा. एंड मैं जो टेरेस पे अभी रील्स बनाने लगी हूँ, मतलब कुछ दो दिन से ना मैं टेरेस पे रील बनाने लगी हूँ एंड मैं कैसी रील्स बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ एक मिनट. तो यहाँ पे ना मैं ऐसे ये क्या बोलते इसको पत्थर रखती हूँ, बड़ा वाला पत्थर बड़ा वाला पत्थर रखती हूँ एंड ऐसे इसको ऐसे फोन यहाँ पे रख के एज इन स्टैंड मैं उसको यूज करती हूँ एंड यहाँ पे अपने रील्स बनाती हूँ. क्योंकि आज है ना ये धूप भी बहुत अच्छी आती है, जब भी धूप आती है तभी आती है धूप, अदरवाइज नहीं आती है. आजकल ना दो दिन से बादल बादल ही हो रहा है. तो अभी मैं बनाऊंगी कुछ रील्स एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ. बाय. अरे हाँ इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स देख लेना और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा. तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ओके इग्नोर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड प्लीज जाके मुझे फॉलो करो. हाँ बेटा तू ये कर ले पहले, कर ले पहले ये. ना मेरा ये वाला व्लॉग बहुत फन बनने वाला है क्योंकि ये लड़का बहुत मजे कर रहा है और मुझे भी करवा रहा है. तो मैं जल्दी से अपनी रील्स बनाती हूँ एंड कहाँ गई? हाँ ये लड़की ना कब से छुपे ही जा रही है, तेरी बहन पागल हो गई. ये लड़की ना लड़की कब से छुपे जा रही है, उसको नहीं आना है मेरे व्लॉग में. उसको लगता है कि मतलब वो अच्छी नहीं दिख रही है करके. तुझे भी ले लिया, बाल बाल तो ठीक कर. देख इतनी ज्यादा हवा आ रही है कि बाल इतने उड़ रहे हैं. ओके अरे बट आज का व्लॉग है ना, आज का जो व्लॉग है ना, अरे हाँ मैं भूल गई ये टॉप के बारे में. ये एक्चुअली ना मेरी मम्मी का कुर्ता है
जो अभी हम ना कुछ ना हाय। तो ये जो कुर्ती है ना मैंने वियर करके रखी, ये एक्चुअली मेरी मम्मी की है, जो हम ना आई गेस हम मुझे याद नहीं आ रहा कितने तो भी सालों पहले हम हैदराबाद गए थे घूमने को, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने लिया था। एंड मेरी मम्मी मतलब जो मेरी मम्मी का साइज आता है उसने वही लिया था, एंड घर पे आके जब उसने पहन के देखा उसको नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मी ने ये मुझे दे दिया। ऐसे ही मेरी मम्मी के बहुत सारे कपड़े मुझे ही मिले हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को फिट नहीं आते तो मुझे ही मिल जाते हैं सारे कपड़े। वैसे तो मैं नॉर्मली कुर्तीज या फिर कुछ ऐसा ट्रेडिशनल पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है, वेस्टर्न ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट स्टिल आज मूड हुआ तो मैंने पहन लिया। एंड दिस हवा, ओ माय गॉड इतनी प्यारी हवा चल रही है सितेश। अच्छा तुझे नहीं लगता कि तू इस हवा में उड़ जाएगा? ये लो उड़ गया। आज बहुत मस्ती के मूड में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है, एंड क्योंकि मतलब मैं जो भी मेरे फनी मोमेंट, ओ माय गॉड अभी मेरे साथ होने वाली थी ट्रेजेडी, मेरा जो दुपट्टा है वो उड़ के चला गया, थैंक गॉड मेरा हाथ ऐसे मैंने पकड़ लिया इसको, अदरवाइज ये गया था। एंड बाय द वे दिस इज माय मॉम्स चुनरी, मेरी ने मेरे पास नहीं है, मैंने मतलब मैं ट्रेडिशनल वियर नहीं करती तो मेरे पास नहीं है, ये मेरी मम्मी के होगा। ओ गॉड ये कैसे उड़ रही है, मैं आपको उड़ो 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 अरे चिड़िया कहाँ कर रही है, कहाँ से आ गई मेरे को पता नहीं, तू उड़ा देते। मैं चिड़िया? चुड़ैल की बच्ची है, चुड़ैल की बच्ची। चिड़िया की चुड़ैल? चिड़िया चुड़िया और चुड़ैल, इससे चिड़िया और चुड़ैल का मिक्सचर बता दिया। चुड़िया तुम पिक्चर देखती हो, पिक्चर ही देखती। इग्नोर। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है तेरा? मेरा दिल बच्चा। अभी तो बोला नदियों पारे तेरा, तो शर्म आती है ना। अच्छा दिल भर है, डांस आता है उसका? ना तू तो बोला तेरे को आता है डांस नहीं, अभी तूने बोला तेरे को नदियों पार पसंद है और अभी तू पलट गया, ची पलटू बाज। गाइस अभी हम खेल रहे गेम, किसका गेम, किसका इंतजार, कौन सा गेम खेल रहे हम? मामा का पत्र हारो वाला। अभी हम वो मामा का पत्र हारो वाला मराठी वाला गेम खेल रहे हैं, तो अभी हम वो खेलेंगे एंड मजे करेंगे। गेम का तो पचका हो गया, क्योंकि सिद्धेश बार बार सबको मार ही रहा था जबकि उसको मारना नहीं था, उस टाइम में भी ये सबको मार रहा था पता नहीं क्यों। तो अभी हम एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम खेलेंगे, मतलब दौड़ के खेलेंगे, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी पता नहीं मैं चुप कर पाऊंगी कि नहीं, बट अगर कर पाई तो कर लूंगी, अदरवाइज नो। क्या कर रहा था? मीट माय ब्रदर। हाय। अच्छा सुमो रेसलिंग खेलेगा मेरे साथ? हाँ खेलूंगा ना। अभी परसों ही मैंने अर्श फैम की, कल ही अर्श फैम की वीडियो देखी और उन लोग ने सुमो रेसलिंग खेली थी, तो हम मैं अभी मेरे भाई के साथ खेलूंगी, चलो। सो गाइस अभी शाम हो गई है और हम घर पे आ गए हैं, और ये वाला जो शो है ना टॉम एंड जेरी, हम बचपन में बहुत देखते थे, इसको देखने में ना बड़ा मज़ा आता है यार, इसलिए मैं अभी भी देख रही हूँ, मुझे अभी भी बोर नहीं होता ये शो। हे गाइस इट इज द नेक्स्ट डे एंड मैंने जैसे अभी शावर लिया है, अपने हेयर वॉश किए, एंड अभी बजे है 12:30। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि अभी मतलब मेरे क्या प्लान से, मुझे कुछ नहीं पता, मे बी मैं एक वीडियो शूट करूंगी इंस्टाग्राम के लिए, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं करूंगी भी ना, मैं बोलती हूँ लेकिन करती कुछ नहीं मतलब अभी सोच लो जो भी है वो। तो अभी तो मैं खाना खाऊंगी एंड देन पता नहीं क्या करूंगी, पता नहीं, तो मैं आपसे मिलती हूँ। ओके हैविंग दिस, दिन भर कुछ ना कुछ खाना ही चलता है, और ये चलता है हमारे घर पे डोरेमोन शिनचैन, हम यही देखते हैं। अभी इसको खाऊंगी और इंजॉय करूंगी, इसके बाद में मुझे और कुछ खाने का मन है, मैं देखूंगी अभी किचन में जाके कि कुछ और है कि नहीं, ये डब्बे ढूंढते ढूंढते मेरे को ये मिल गया तो अभी ये खाऊंगी।
सो अभी मैं देख रही हूँ एक हॉरर मूवी, ये कब से डाउनलोड करके लेकिन देखी नहीं, पता नहीं कब का डाउनलोड करके लेकिन देखा नहीं। ओके मैं बोर हो गई वो मूवी को देखते तो मैंने बंद कर दिया एंड बैक टू डोरेमोन। ये जो पुराने वाले हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो नए वाले हैं ना अभी नए वाले एपिसोड्स वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये बचपन में मैं देखती थी तब से मेरे को यही पसंद है। अभी 4 बज रहे हैं, इंग्लिश मराठी क्या हिंदी क्या बोल रही हूँ, हाँ सॉरी अभी 4 बज रहे हैं और अभी मुझे अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट करना है। मैंने आज ही हेयर वॉश किया आप लोगों को पता ही होगा तो हेयर स्ट्रेट करूंगी एंड देन एंड मैंने बोला था ना आप लोगों की मैं शायद इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करूंगी या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करूंगी, बट यूट्यूब के लिए तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी बट कुछ रील्स बनाऊंगी तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी हो रही है एंड देन रील्स बनाए टाइम से मिलती हूँ। ओके बाय। विथ माई हेयर सेटिंग एंड मेरे हेयर्स अच्छा लग रहा है। वजह है 4:18 और अभी मैं एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब सोच रही थी एंड फिर यू नो बाल स्ट्रेट करने के बाद फिर मुझ में और एनर्जी आ गई क्योंकि मैं बहुत ऐसे पड़ी थी अभी तक, मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, मन नहीं हो रहा था मेरा। तो अभी मैं वीडियो शूट करूंगी एंड फिर रील्स बनाऊंगी क्योंकि धूप अच्छी आ रही है, एज यू कैन सी बहुत ही अच्छी धूप है, धूप बहुत अच्छी आ रही है तो फटा। ओके सो मैं ना अपने मम्मी के फोन से इंस्टा वीडियो शूट कर रही थी और मम्मी के फोन का स्टोरेज खत्म हो गया तो अभी मुझे अपने फोन से शूट करना पड़ेगा जिससे मैं अभी फिलहाल ब्लॉग भी कर रही हूँ। तो सारा सब कुछ मेरे वीडियोस मिक्सअप हो जाने वाले हैं एंड ये मेरा यू नो मैं मेकअप कर रही थी एंड बीच में ही स्टोरेज फुल हो गया इसलिए मैं ऐसे दिख रही हूँ, सो प्लीज इग्नोर। एंड ये वाला वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पे जो मैं अपलोड करने वाली हूँ ये मेकअप वाला तो जल्दी आ जाएगा आई गेस, ब्लॉग से पहले वो आ जाएगा क्योंकि उसको एडिट करने में बहुत कम टाइम लगता है लेकिन ये वाला वीडियो एडिट करने को आई मीन ब्लॉग्स वगैरह एडिट करने को बहुत टाइम लग जाता है मेरे को, मतलब ज्यादा भी नहीं लगता है बहुत कम लगता है। तो मैं फटाफट अपना ये वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। सो आई एम बैक होम और इतनी धूप थी ना ऊपर कि मुझे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी मैं नीचे आ गई, मतलब मुझे और एक दो रील्स निकालने थे बनाने थे बट फिर मैंने नहीं निकाले क्योंकि बहुत धूप हो रही थी और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं वापस आ गई। कोई तो ठोक रहा है, लेट मी चेक। ओ देखो तो कौन आया, रुको मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, रुक रुक। सिद्धेश ने ना हेयर कट करवाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे दिख रहा है करके, तो आर यू एक्साइटेड कि कैसे दिख रहा है वो कट करवाया है तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। चाटी इसने फिर से टकला कर दिया खुद को, मतलब इतने अच्छे बाल एंड इसने टकला कर दिया, कैसे लग रहा है दिखा मेरे को, सर दिखा तेरा, सर दिखा तबला बता, ये ना ये जो भी ऐसे 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 लो ना ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करने को, खुद ही बजाना तबला अपना अपने सर पे बजा, चल बेटा लग ही जाएगा तुझे। अभी हमारे घर में ना सभी उसको चाटी बोलेंगे क्योंकि जब भी वो ऐसे पूरे बाल काट लेता है पूरे टकला कर देता है खुद को तो हम उसको चाटी ही बोलते हैं, उसको मस्त उसी नाम से बुलाते हैं, वरना जब उसको बाल होते तो हम उसको सिद्धेश ही बोलते हैं। बाय द वे ये वाला मेकअप मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया होगा, ये मेरा मेकअप काटी, अभी कोई मुझे बोलने देगा प्लीज, ये वाला मेकअप लुक इंस्टाग्राम विल सी, इसके पीछे इसकी बहन ही आएगी देखना, एक्सपेक्ट रहेगा, ब्लॉग शुरू करके भाग गई वो। इशिका वो नहीं आएगी क्योंकि ब्लॉग शुरू है और उसको पता नहीं कल से आना ही नहीं है मेरे ब्लॉग पे। व्हाट आई गॉट मैंगो, एक ही बचा है एंड अभी मैं इसको खाऊंगी। अभी 7:30 बज गए हैं और हमारे घर में यू नो जब भी शाम होती है इतना ज्यादा गल्ला शुरू हो जाता है, सब लोग इतने बातें करने में लग जाते हैं, मतलब सब लोग मतलब मैं भी जाती हूँ बातें करने को बट आज नहीं गई क्योंकि आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ
प्लीज डोंट से मेरे को कोरोना हो गया, नहीं हुआ है मुझे कोरोना हो गया। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने दाल, मुझे मेरे हाथ की दाल बनाना बहुत अच्छी लगती है एंड सबको पसंद है मेरे हाथ की दाल बनाते हुए। एंड यस, जिनको लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है उनको मैं बता दूँ मुझे खाना बनाना आता है, दाल सीखता ही आता है। सो ये सब अभी रेडी है एंड अभी मेरे को बनाने हैं दाल, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। और अच्छा, आपको देखना तो नहीं है ना, क्योंकि मैं वैसे बनाते बनाते कैमरा नहीं पकड़ पाऊंगी, तो मैं नहीं शूट करने वाली अभी बनाते बनाते। मैं आपको बनाने के बाद मिलती हूँ। बाय। मैंने दाल बना ली फाइनली और इतनी ज्यादा, लिटरली इतनी ज्यादा गर्मी थी ना किचन में बिना फैन के, मतलब मैं इतना देर नहीं रह सकती। आई मीन मैं रह सकती हूँ, मतलब खाना बनाना मुझे शौक है खाना बनाने का, बट इतने टाइम तक यू नो गर्मी में रहना। एंड आई नो आप लोग को आवाज बहुत ही आ रही होगी क्योंकि पीछे कूलर चल रहा है, सो प्लीज कोऑपरेट।